एक घटिया सोच की लेडीज है, मैं सब जैसी संदीप और संदीप की फैमिली और इसके घर वालों की तरह, और जो ये है अपना संदीप, संदीप है, सीमा है, इन जैसे लोगों के लिए ये एक किस्म से ढाल बन गया है, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ भाई कल को जिसके घर में आग लगेगी ना, उसको पता चलेगा भाई घर में कितना सामान था और क्या के जड़ा। बेटी जावे तो तब भी कोई बेटी अगर किसी का लड़का बजा बिल्कुल गलत सपोर्ट करेगा कोई? बिल्कुल गलत जी, तो वही चीजें तो हो रही हैं आज के टाइम पे। मैं कहता हूँ भाई उस टाइम पे समाज जो पहले हमारा था, हरियाणा की जो संस्कृति थी वो हरियाणा की इतनी बढ़िया संस्कृति थी, बाण बेटी को भाई पड़ोस में भी अगर कोई गलत हो रहा होता ना तो दूसरे गाँव का आदमी आके भी उसको समझाता था, छत्तीस जात की एक बिल्कुल दूसरे गाँव का भी आके समझाता था उसको, भाई बेटा ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, और उसके माँ बाप को समझाता था। मैं चाहता हूँ वही समाज दोबारा से इकट्ठा हो, और मैंने एक अपील भी चला रखी है, नंबर भी डाल रखा है मैंने एक, भाई जिन भाइयों के साथ अभी करंट में मैंने बहुत से केस देखे हैं, आप लोगों के चैनलों पे भी देखे हैं कि भाई 27 साल की एक वो पता नहीं शायद कमलेश वाला मामला था, उसके 27 साल के लड़के हैं और वो दूसरे साथ रिलीवी रिलेशनशिप में रहने लगी है, कहाँ जाने लग रहा है समाज, ठीक है। हाँ एक बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल करमू है, करमू भाई ने एक वीडियो डाल रखी थी दादी पोते की, भाई चाहे वो सगे ना हो दादी पोता लेकिन एक नेक तो है, एक जज्जर का मामला था, ऐसे पड़ोस में चले गए थे दादी पोता थे वो भी। तो ये कानून जो है कानून के मिसयूज होने लग रहा है और कानून ही इनका साथ बढ़ावा देने लग रहा है इस चीज को, क्योंकि कानून नहीं होगा अगर मान लो सीमा और इस जो मेरा मामला चल रहा है इसमें अगर ये कानून नहीं होता तो वो भागने से पहले या तो अपने माँ बाप से बात करती या फिर हमसे करती, लेकिन क्या है वकीलों ने भाई अपने पैसे के लालच में कुछ वकील, मैं सारे सबको नहीं बोलता लेकिन कुछ वकील उनके लिए क्या होता है कि पैसा ही सारी चीज होती है, जैसे इस केस में भी हुआ था भाई मेरे वाले केस में भी, मैंने पूरी रिक्वेस्ट करी थी भाई देखो अगर ये अपनी मर्जी से जान लग रही है तो इसका यहीं पे एक सोल्यूशन करवा दो, मेरा तलाक करवा दो, भाई पहले तलाक करवा दो उसके बाद चाहे किसी के साथ रह जाओ कोई दिक्कत, लेकिन वकीलों ने बोला भाई वहीं बात होगी कोर्ट में बात होगी, कोर्ट में आज तक आई है वो, मैं जिन भाइयों ने चलो भाई मैं गलत नहीं कहता उन वकीलों को, लेकिन जिन भी उन वकीलों ने ये काम करवाया था इनका लिव इन रिलेशनशिप का फॉर्म बनवाया था जानते हुए कि भाई ये लड़की गलत है और इसकी दो दो छोटी छोटी चौकी में खुद उन्होंने देखा था छोटी छोटी गुड़िया कैसे बिलख के रो रही थी मेरी, ठीक है मैं उनसे कहना चाहता हूँ नहीं नहीं वो तो देखो चौकी में जब 12 दिन बाद 22 अगस्त को भागी थी, 12 दिन बाद हमने पूरी कोशिश करी, पूरी फैमिली डिप्रेशन में थी, मैं भी डिप्रेशन में घर से निकल गया था मरने के लिए और सुसाइड करने के लिए निकल गया था, मैं डिप्रेशन इतना हो गया था भाई एकदम से मेरी जिंदगी में ये हुआ क्या भाई, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, मैंने प्लॉट खरीद लिया था, बयाना दे दिया था, वहाँ 1 लाख रुपया मेरा मर गया और फिर एकदम से जिंदगी में इतना बड़ा कहानी होगी। अच्छा आप वो जो फैक्ट्री है वो किस वो तो उसी टाइम पे क्या था भाई सीमा जाने से पहले क्या था भाई जैसे ही मेरे ऊपर प्रेशर आने लग गया था भाई क्योंकि फैमिली ने अलग कर दिया था, मकान मेरा पापा ने बेच दिया था भाई, फैमिली प्रॉब्लम थी सब में हुआ प्रॉब्लम, ठीक है पापा ने भी ये सोची भाई जो कर्जा था पापा की फैमिली पे था वो मेरे ऊपर नहीं था, मैंने कभी कर्जा नहीं लिया था, किसी के साथ जीव रहता है और उसके बाद एकदम से मतलब उससे दूर होना पड़े, दूसरा फिर माँ बाप और सबकी नज़र में वो एक लेडीज सीमा को कह सकता हूँ मैं इस बारे में कि भाई एक मैंने उसी के लिए तो किया। अब आए गलती अब स्वीकार करोगे? देखो मैंने अभी कल शायद आप लोगों ने देखी हो 1000 हरियाणा 1008 पे एक वीडियो आई थी, मैंने क्या था वो सीमा जब सामने आई थी उसने ये बोला था जो लाइव डिबेट हुई थी जो सीमा मेरी और न्यूज चैनल वाले थे जो संदीप, और क्या था उस पर उसने बोला था भाई कि तलाक के कागज भेज दे मैं साइन कर दूंगी, तो क्या है वो सिर्फ वहां पे बोल के चली गई, भाई मेरे को भी गुस्सा उठा इस चीज़ में, मेरी फैमिली जो मेरे साथ में थी और मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ में थे उन्होंने भी बोला भाई देख अगर इतनी बड़ी बात होगी है ना जब वो खुद कह रही है वो, उसने तो ये तक बोल दिया मर गया मेरा बाप, बाप मर गया, भाई मर गया, सारे मर गए मेरे लिए, यार एक एक आदमी के लिए तू सब ने मार देगी क्या, मतलब इतनी ज़्यादा एक तेरे अंदर इतनी वो होगी क्या भाई एक अशोक भाई क्या ये आंखों पट्टी हुआ है या सच में कोई इतना प्यार हो जाएगी माँ बाप बहन भाई? नहीं देखो प्यार नहीं कह सकते इस चीज़ को, प्यार किसी भी एंगल से आप इस चीज़ को प्यार नहीं कह सकते, प्यार उस संदीप तो चलो उससे 2 साल से 4 साल से मिला होगा भाई, मेरी नॉलेज में तो मेरे पास 1 साल से आया था, लेकिन पहले से अगर इनकी कोई व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह से बात होती हो तो मेरे को नहीं पता इस बारे में, लेकिन क्या मतलब 5 उससे ज़्यादा तो मेरे साथ रही है, मैंने कभी टॉर्चर किया नहीं, आस पड़ोस गवाह है, और मेरे से ज़्यादा तो अपनी 6-6, 7-7 बहनें भी, भाई है छोटा, बाप है, उनके बीच में रही है भाई, इतना मतलब कैसे गिर सकती है कि भाई अपने माँ बाप को मार दे, अपनी बहनों को मार दे और एक अकेले संदीप के साथ ज़िंदगी बीत जाएगी, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि देखो ये सब सबको पता हाल फिलहाल उसके जो दिमाग पे जो
पढ़ा हुआ ना पढ़दा, वो पढ़दा एक दिन हटेगा, और हटने के बाद है ना मैं चाहता हूँ भाई वो खुद हटे ना, उससे पहले अपने आप हटा दे। अच्छा एक और बात है, एक तो है प्यार का मामला अशोक भाई, दूसरा है जो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्या कोई माँ इतनी पत्थर दिल हो उसका कि अपनी दो बच्चियों को भी छोड़कर उस प्यार के लिए या फिर उस अवस के लिए बच्चों को छोड़ तक ठोकर तक मार सके। देखो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये भूत सवार होता है ना, देखो मैंने तो कभी जिंदगी में इस तरह का देखा नहीं, लेकिन भाई अभी 5 महीने से जिन लोगों के बीच में बैठता हूँ वे सारे कहते हैं भाई इस जिस टाइम पे ये वो एक भूतसा हुआ है जो सवार हो गया ना, उस टाइम पे कोई अच्छा बुरा नहीं दिखता, लेकिन अगर वहाँ पे उसको एक डाल बनाने के लिए कोई चीज़ ना मिले ना, जैसे ये लिव इन रिलेशनशिप डाल बन गई, अगर लिव इन रिलेशनशिप ना होती ये कानून नहीं होता तो उनको सोच उनकी सोच वहीं दब जाती, जो ये पर्दा पड़ रहा था वो पर्दा वहीं हट जाता उसका, क्योंकि उनको पता था भाई अगर हम ऐसा काम करेंगे तो कानून पकड़ लेगा हमें भाई, कानून अगर लिव इन रिलेशनशिप ना होती तो कानून में जेल हो जाएगी हमें। और अब हो भी गया भगवान की दया से, देखो मैं सुनने में आया है कि भाई हरियाणा पंजाब का कोर्ट का फैसला आया था अभी 547 शायद धारा है उसमें इनके ऊपर जो इस तरह की महिला है उनके ऊपर संशोधन चल रहा है, और वो उस पे क्या है कि भाई जब तक तलाक नहीं होगा ना मंजूरी तो मंजूरी नहीं मिलेगी इस चीज के लिए। तो कितना आप इसको जरूरी मानो इस कानून को बंद होना, या फिर आप यूं मानो कि ये जरूरी है कानून? देखो मैं अपनी निजी सोच बताता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ भाई इस तरह का कानून होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। देखो महिलाओं के लिए कानून बने हैं, अच्छे कानून बने हैं, बुरे भी बने हैं, लेकिन उसका जब मिसयूज होने लग जाए ना भाई, आपने कानून बना दिया उस टाइम पे ठीक अपनी आपकी सोच थी भाई, कोई कई लोग क्या होता था भाई शराबी शादी तो हो जाती थी लड़की की, लेकिन शराबी मिल जाया करता मारे पीटे करता, फिर पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उस चीज के लिए सरकार ने कानून बनाया था, बढ़िया सोच थी उस टाइम पे, लेकिन उसके अंदर जैसे ही मतलब इस तरह की जो एक घटिया सोच की लेडीज है, मैं सबको नहीं बोलता, घटिया सोच की जो महिलाएं हैं और लड़कियां भी हैं और आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल आदमी भी बहुत बहुत से हैं ऐसे उदाहरण, वो अभी थोड़े दिन पहले रीना थी शायद उसका मामला था, इस तरह के बहुत कानून वो हैं उदाहरण आपके लिए, लेकिन दिक्कत यही है सारी जगह पे कि कानून के अंदर टाइम के साथ संशोधन होना चाहिए, अगर उसका मिसयूज होने लगा, अभी मिसयूज हो रहा है, पिछले 2 साल से इतने केस बढ़ गए एकदम से बहुत जबरदस्त तरीके से, मेरे आस पड़ोस में रोहतक के अंदर के मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था एनालाइज किया था लगभग 1300 केस ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं, 1300 केस कमाल की बात है, एक छोटे से रोहतक के अंदर है, तो हरियाणा में कितने होंगे और देश में कितने होंगे, बहुत ज्यादा। और आप इसे सूत्र मानोगे बर्बादी का? बिल्कुल सूत्र है जी ये, इन इसी संदीप और संदीप की फैमिली और इसके घर वालों की तरह, और जो ये है अपना संदीप है, सीमा है, इन जैसे लोगों के लिए ये एक किस्म से ढाल बन गया है, और आने वाले टाइम में इसका इतना मतलब घटिया परिणाम और इतना खतरनाक परिणाम आने लग रहे हैं आगे आगे, भाई कोई किसी की नहीं मानता, ना लड़की मानती ना महिला मानती, और बच्चों इन दोनों ने तो जो करना था कर लिया, लेकिन देखो ना आप जिनने मतलब अच्छे से अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, 4-4, 5-5 साल की गुड़िया और वो 27 साल के बालक, क्या जो माँ के कर्म है या कुकर्म उनका परिणाम छोटी बच्चियों को भी भविष्य में भुगतना पड़ेगा? देखो अभी क्या है, अभी तो इन्हें जो करना था कर लिया, लेकिन क्या है देखो कल को भाई आप लोगों की मान लो या फिर कल भाई जो समाज के लोग बोलते हैं भाई वा ठोकर खा का होगी, वा तो आ जाएगी, सबको पता भाई ठोकर लगनी है एक दिन, और वह आने के बाद क्या मतलब वो जिन वापिस आएगी, क्या मतलब समाज के लोग उसको मतलब उस नज़र से रख लेंगे जो पहले से थी है, और क्या वो बेटियां मतलब उसको रख लेंगी इस नज़र से जिस नज़र से मतलब वो है, ऐसे इस नज़र से नहीं रख सकते। तो देख ये है जो अपना अशोक भाई है उनके दिल का दर्द, और ये सिर्फ अशोक के दिल का दर्द नहीं है, हर एक उस पति के दिल का दर्द है जिनकी वाइफ छोड़ कर जो है दूसरे के साथ चली जाए, हर एक उस पत्नी का दर्द है, सिर्फ पति का नहीं भाई, उस पत्नी का दर्द है जो अपनी पत्नी को ठोकर मार कर दूसरी औरतों को बिना पूछे एक झटके में जिंदगी खत्म करके ले आवे हैं या उनके साथ घर बिता ले हैं। उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जितनी भी ये माताएं बहने भाई, कम से कम हमारा एक समाज हो करता, और समाज ने आप छोड़ो अपना घर है, और घर ने भी छोड़ो आप अपनी औलाद ने, कोई कर देखो माँ का पेट था अगर डड़ा भी लिगड़ जाए ना तो माँ ना वो भी जो है बहुत प्यारा हुआ है ये कहे कर दे, लेकिन आज की मेरी मातृशक्ति
बड़ी ऐसी हो गई है कि अपने दो दो तीन तीन बच्चन छोड़कर, और बच्चे भी कौन से दूध मोए, दो तीन साल के बच्चन छोड़कर और लिव इन का चक्कर में बैग उठाकर सवार हो ले हैं भाई। क्या बिल्कुल भी जो मीन दो नौ महीने आपने पेट में रखा उसके आपने बिल्कुल भी ये नहीं लगे कि ये क्या आपका इसका भविष्य होगा आपके बिना, और क्या समाज में इनका ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे ही जिंदगी जीवेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी समाज अगर वही पुराना समाज है, मैं चाहता हूँ भाई हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ जितने भी मेरे गांव के, क्योंकि शहरों में आदमी से आदमी इतना प्यार नहीं करता, मैंने खुद देखा है, बिजी लाइफ है, लेकिन गाँव के अंदर जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि उनके जो खंडगे हैं ना उनके ऊपर भी लिखी थी मैंने कल, बिल्कुल बिल्कुल वो लिव इन रिलेशनशिप पे ही मैंने बनाई थी कि जिसका उजड़ जा परिवार सारा वो खुशकुकर हो, वैसे जिसका उजड़ जा परिवार सारा वो खुशकुकर हो, लिव इन रिलेशनशिप मेरी मेरी नहीं घनिया की जिंदगी को, बिल्कुल माँ बाप है कानून। देखो भाई ये रिश्ते नाते हमने तो पुराने जो है ना उनको पता होता, मामा मामी जो ये बच्ची है मेरी, मामा के साथ भाणजी का क्या प्यार होया, अगर क्या रिश्ता होता है वो